फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सबको ईद उल अदा की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, बकरीद की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। तो आज ईद है माशाल्लाह, और बस मैं अभी रेडी हो गई हूँ, नहा धो के यही वाला ड्रेस पहन लिया मैंने, जो आपको दिखाया था पहले वही ड्रेस पहन लिया है, और ये वाले इयररिंग्स पहन लिए। तो बस चलते हैं मम्मी के यहाँ और देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स कैसा हो रहा है, बिल्कुल बारिश के जैसा। आज भी बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा है, काले काले बादल हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फसी और फसी के बड़े भाई और फसी के खाला के बेटे और भतीजे और भतीजी सब लोग जा रहे हैं ईदगाह को नमाज़ पढ़ने के लिए। तो फसी ने ये व्लॉग आप लोगों के लिए शूट किया है, तो सब लोग मिलके माशाल्लाह से नमाज को जा रहे हैं यहाँ पे। रास्ते में खड़े दूसरे को तकलीफ दे रहा हो, जो आसानी से जाती उनको तुम्हें खराब कर सका होता। उनको ये कैसे चलो अंदर चलो आदि भाई नीचे A few moments later, फ्रेंड्स अदीबा की मेहंदी ईद के सुबह लगी हुई है, रात में नहीं लगी, ईद के सुबह लगी है क्योंकि रात में सो गई थी। दिखाओ ना सही से, दिखिए ना क्या लिखा हुआ, ईद उल अदा मुबारक। अच्छी लग रही है। यहाँ बन रहा है शीर खुरमा, यहाँ मैंने सिवई ले लिए, ड्राई फ्रूट्स ले लिए, बादाम काजू और ये, और दूध भी उबल रहा है यहाँ पे और खोया भी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे घी ऐड कर लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे इलायची के दाने, इलायची कूटी लेकिन कूटी नहीं थी इलायची। और मैंने देखे जामुन बना के रेडी कर लिए थे कभी, तो यहाँ जामुन रेडी है, और यहाँ पे शीर खुरमा भी रेडी है, रेडी होने जा रहा है। और हमारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे इसके अंदर, फ्राई कर लेंगे, फिर हम इसको फ्राई करने के बाद इसमें सिवई ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ मम्मी बना रही है रगड़ा चाट यानी कि मटर, और यहाँ पे देखिए मसाला भून रहा है, धनिया भी कट गई है, आलू भी कट गए हैं, और यहाँ मेरी सिवई भी बन गई है, सुबह दिखाया था बना के, और रगड़ा चाट बन रहा है। मेरे घर मेरी फ्रेंड आई है, शर्मा रही है। हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक। आपको भी मुबारक, मम्मी भी आ बैठी है, ये मुझे मत दिखाओ। अमीर मुबारक बोलो, कल बोला था ना? नहीं कल चांद रात थी। अच्छा, ईद मुबारक सभी लोगों को। आपको स्टाइल नहीं आता बोलने का। कभी मम्मी के हाथ की बना रहे। देखो फ्रेंड्स में अदीबा की जो फ्रेंड है, देखिए कितनी प्यारी मेहंदी लगा रही है सुमैया, सच में अच्छी फास्ट भी लगा रही ना अदीबा। हाँ माशाल्लाह फास्ट लगा, अच्छी लगा। अभी हमने इसको देखा था ना लगाते हुए, हम लोग आइस वेला बहुत भी लगवा ले, हम मेहंदी रहे मौके का फायदा, हम लगाते नहीं मेहंदी, हमको क्योंकि बर्तन धोना कपड़े, मम्मी का ये रहता है कि अच्छी मेहंदी लगे बस। हाँ हमें काम अच्छे से, वरना ना हो कोई बात ना लगे कोई बात नहीं, अच्छी होनी चाहिए काम, वो तो अच्छा काम। अदीबा भी अच्छी लगाती है, स्लो लगाती है। अरे बहुत स्लो है। अरे तुम्हें दिखाओ कल लगाई तुमने, हर चीज पे स्लो अच्छी बच गई, थोड़ी सुबह लगाई थी मैंने, धो भी दी तुम, मेरे रक्षाबंधन लगा देना। Later that same evening. सुबह से अब फुर्सत मिली है मुझे, मम्मी के यहाँ पूरा निपटा के सब करके खा पी के सब हो गया, अब शाम का टाइम हो रहा है, 7:30 बज रहे फ्रेंड्स। तो अब मैं जा रही हूँ मेरे सास के घर,
तो वहाँ भी जाना जरूरी है। तो बस बहुत ज्यादा थक गई हूँ लेकिन जाना तो है, चलिए चलते हैं और वहाँ भी आप लोगों को दिखाएंगे, सबसे मिलाएंगे जो जो होगा वहाँ पे। तो ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाई मैं आज क्योंकि बिजी बहुत ज़्यादा थी फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए थे मेरी सास के और यहाँ पे हम लोग स्वीट्स खा रहे हैं और भाभी ने गुलाब जामुन भी बनाए थे लेकिन मैंने खुद बनाया तो मेरा खाने का मन नहीं था तो मैंने ये खाया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सबको ईद मुबारक। हेलो हेलो अच्छा बोलती का फरमान फरमान बोले बोलो जल्दी यार, मुंड है उसका, इसका चाची तब से चुरा दीदी दीदी इधर सर इधर बोलता नहीं बैठो भैया। सबको ईद मुबारक फैमिली को। मम्मी तुम्हें मैं नहीं सो सबको ईद मुबारक। 12 o'clock midnight फ्रेंड्स हम लोग घर वापस आ गए और आज जाने में थोड़ा लेट हो गया, बहुत सारे गेस्ट आए थे मेरी सास के यहाँ तो 12 बजे आए हम लोग वापस। तो बस आते ही मैंने चेंज किया और फ्रेश हो गई, मुंह धो लिया अपना और बस अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज का व्लॉग बहुत छोटा मोटा बना है, बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं, ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई फ्रेंड्स। तो खाना वगैरह हमने सास के ही खाया था, सास का मैंने बना था बिरयानी कबाब और स्वीट में बना हुआ था कुछ गुलाब जामुन और फालूदा, सब मेरी सास ने और जिठानी ने मिलके बनाया था क्योंकि मैं तो गई नहीं थी, मैं मेरी मम्मी क्या बिजी थी वहाँ के काम देख रही थी। तो और खाना वगैरह खा लिया है और अब हम लोग आ चुके हैं घर और फंसी ने आज आपको ईद मुबारक नहीं बोला क्योंकि फंसी भी बिजी थे, जैसा कि आपको पता है कि क्यों बिजी थे आप लोग को पता है, समझदार है आप लोग, तो फंसी भी बिजी थे और मैं भी बिजी थी। तो फंसी आपको ईद मुबारक नहीं बोल पाए, वो जाके अंदर सो गए। जी ईद मुबारक बोलती सबा क्या बोलती है बोलो आओ कोई बात नहीं आओ। तो फ्रेंड्स उनकी तरफ से मैं आपको ईद मुबारक बोलती हूँ तहे दिल से, आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और ये छोटा मोटा व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करेगा वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। फिर मिलेंगे एक जबरदस्त व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए, लव यू ऑल, बाय बाय।